الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے میں یہ مدرسہ جامعہ ریاض العلوم، یہاں کی اسکول اور اس کے بانی سرپرست روح رواں حضرت مفتی محمد صاحب سار و دید احمد برکاتہ، ان کا پورا اسٹاف، ان کے اسٹوڈنٹس اور طلبہ کو واقعی مبارکبادی دیتا ہوں. یہ رسمی مبارکباد نہیں. دنیا میں بہت سے پروگرام آج تک دیکھے، لیکن ایک ہسٹوریکل ڈراما، ایتہاسک تاریخی جو ڈراما یہاں پیش کیا گیا، آج تک کبھی ایسا ڈراما دیکھنے کو نہیں ملا. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے. اللہ ان بچوں کو اور خاص کر ان کو تیار کرانے والے ان کے ٹیچرز، استادوں کو، ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، جمعہ بھی ہے، اور آپ حضرات کے دلوں پر اس ڈرامے کی وجہ سے اچھی کیفیت ہے. چند باتیں آزادی کے لیے کہوں گا، چند باتیں ملک کے دستور، کانسٹیٹیوشن، بندھارن کے متعلق کہوں گا. آج دکھ یہ ہے جو ستاتا ہے کہ ہمیں اپنا اتہاس معلوم نہیں ہے، ہماری ہسٹری ہم کو معلوم نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب رحمت برکاتہم ایک شعر سنایا کرتے، شکوے کے طور پر، فریاد کے طور پر، چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. آزادی کے پھول مسکراتے ہوئے مسلمان ہوئے، لیکن آج دکھ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ اور اتہاس معلوم نہیں ہے. مفتی صاحب سے میں درخواست کروں گا، آئندہ اس طرح کے پروگرام بہت بڑے پیمانے پر کریں، بہت بڑی تعداد میں ہندوؤں کو بھی بلائیں، سرکاری بڑے بڑے آفیسروں کو بھی بلائیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم کیا تھے اور ہماری تاریخ کیا ہے. اللہ آپ کی ان کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے. ایک مسلمان سے میں نے پوچھا
कुछ पढ़े कुछ लिखे थे, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आगे की बात पर अफसोस है। मैं कहा 26 जनवरी ये क्या है, कहा कि भारत की आजादी का दिन। तो मैंने इबरत दिलाने के लिए फौरन सवाल किया, 15 अगस्त क्या है, तो वो खामोश हो गए, चुप हो गए। यानी दुख ये है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दरमियान क्या फर्क है और दोनों के पीछे क्या इतिहास है, वो आज पढ़े लिखे कहलाने वाले मुसलमानों को भी मालूम नहीं है। यह है दुख की बात। चंद मिनट मैं स्कूल के स्टूडेंट को इतिहास का एक पीरियड ले लू, थोड़ा सा हिस्ट्री का पीरियड ले लू। 1498 को याद करना होगा, 1498 को जब वास्को डी गामा सबसे पहला स्टीमर लेकर के कालीकट के बंदर पर उतरा था, ये 1498 ईस्वी वास्को डी गामा का जो स्टीमर आया, ये सबसे पहले यूरोपियनों के नापाक कदम हमारे मुल्क में थे। तब भारत नहीं था, हिंदुस्तान था। ये पोर्टुगीज लोग थे, डच लोग थे। इन पोर्टुगीजों ने, डचों ने जो मजालिम किए उसको हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सवान नक्शे हयात में लिखा है, वो पढ़ने के काबिल है। उस जमाने के मुस्लिम नवाबों को, महाराजाओं को कैसे बेदर्दी के साथ उन्होंने कत्ल किया और पुर्तगाल ले जा करके उनको गुलाम बनाया, नवाबों को गुलाम बनाया। फिर 1601 को याद करो, ईस्वी सन 1601 जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्टीमर भारत आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अंग्रेज बिजनेसमैन लोगों ने 30,000 पाउंड जमा करके भारत में बिजनेस और व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। उनकी पहली स्टीमर 1601 ईस्वी में भारत आई। ये लोग तिजारत के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ भारत देश के ऊपर कैसे कब्जा करना, उसकी नापाक साजिश भी करते रहे। लेकिन 1707 ईस्वी तक इनको बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि 1707 ईस्वी तक पूरे 50 साल अल्लाह के एक वली इस मुल्क की हुकूमत को संभाल रहे थे, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। पूरे 50 साल तक इन्होंने इस मुल्क को संभाला और औरंगजेब के 50 साल के जमाने के अंदर अंग्रेजों को कभी किसी तरह की कामयाबी नहीं मिल सकी। खुदा का वली और कुतुब बंदा जिसको महसूस करना हो, खुलदाबाद में उनके मजार के ऊपर जाएं, जाकर के इशारे सवाब करें, जैसे किसी कुतुब अब्दाल की कब्रों पर रहमत की बारिश होती है, कसम खुदा की औरंगजेब की मजार पर भी वही रहमत की बारिश होती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का जब इंतकाल हुआ और वो इंतकाल भी आतंकवादियों और कुछ गद्दारों को
सजा देते हुए उनका मुकाबला करते हुए दिल्ली से चले बुढ़ापे के अंदर और खुलदाबाद के अंदर आकर के सो गए। 1707 में हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। फिर अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी है। सबसे पहले 1757 ईस्वी में पलासी के मैदान के अंदर अंग्रेजों को खुल्लम खुल्ली एक जंग में कामयाबी मिली और वेस्ट बंगाल के अंदर अंग्रेजों की पहली हुकूमत कायम हुई। नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाही ताला अलैह पलासी के मैदान में अंग्रेजों के सामने कुछ गद्दारों की नहुसत से हार गए। अभी आप ड्रामे में देख रहे हैं, कुछ गद्दारों ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया आज भी पहुंचा रहे। इतना नुकसान कभी दुश्मनों से भी नहीं पहुंचा। 1757 में पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला हार गए। मुसलमानों, 26 जनवरी का ये आज का दिन जुमा का मुबारक दिन भी है। ये अज्म करके उठो, हम अपने मजहब के वफादार रहेंगे, मुल्क के वफादार रहेंगे, कौम के वफादार रहेंगे और कभी हम गद्दार नहीं बनेंगे। आज मुसलमानों को इस्लाम को दुश्मनों का डर नहीं है, डर और खतरा है तो अपनों और गद्दारों का खतरा है। जो टोपी ओढ़ करके, कुर्ता लगा करके और अब तो बनावटी गाड़ियों की भी मार्केट में कोई कमी नहीं है, दुश्मनों के साथ बैठ करके इस्लाम मुसलमान दीन और मुल्क के खिलाफ मशवरे करते हैं, ऐसे गद्दारों से अल्लाह मुल्क की दीन की ईमान की हिफाजत फरमा। ये पहला मौका था 1757 ईस्वी का। फिर 1799 को हमको याद करना होगा, 1799 को, जब श्रीरंगापट्टनम के मैदान में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, वो भी गद्दारी की नहुसत में। वरना सुल्तान टीपू शहीद तहज्जुद के पाबंद इंसान थे, उनकी कभी तहज्जुद नहीं छूटती थी। मुसलमानों, अल्लाह हमें फर्ज की पाबंदी करने वाला बना है। मुल्क चलाते थे तहज्जुद की पाबंदी के साथ और एक वली और कुतुब ने लिखा है कि सुल्तान टीपू शहीद अपने जमाने के कुतुब और अब्दाल के सरदार थे, कोई मामूली इंसान नहीं थे। ये शफ़ुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मक्तूबात में लिखा हुआ है कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के कुतुब और अब्दालों के सरदार थे और जब तक वो जिंदा रहे अंग्रेजों को हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ सके। 1799 में शहीद हुए, तब अंग्रेज फौज दिल्ली की तरफ आगे बढ़ी। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों की फौज बाकायदा दिल्ली में दाखिल हुई और अंग्रेजों ने ऐलान किया खल्क खुदा की मुल्क बादशाह का हुक्म कंपनी बहादुर का। खल्क खुदा की मखलूक अल्लाह की, लेकिन ये मुल्क नाम का बहादुर शाह जफर का, शाह आलम का, आखिरी मुगल बादशाहों का रहेगा।
और ऑर्डर एंड लॉ कानून सत्ता पावर मौलवी ज्ञान दिल्ली में, एक फकीर एक दुर्वेश एक मौलवी हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, जो आपके फतावा अजीजिया के सफा नंबर 17 पर फारसी जुबान में छपा हुआ है कि आज से मुल्क गुलाम हो चुका है और उसको आजाद कराना ये हर हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है, भारतीय का फर्ज बनता है। ये सबसे पहला आजादी का फतवा देने वाले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम दीन है, जिन आलिमों को आज जो है शक की नजर से दुनिया देखती है। फिर 1857 उसका नक्शा अभी आपने एक देख लिया, एक झलक देख ली। मैंने अपने पीर मुर्शिद हजरत अकदस मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से कई मरतबा अपने इन कानों से सुना, बहादुर शाह जफर को लाल किले से कैदी बना करके निकाला गया, हुमायूं के मकबरे में आकर पनाह ली जो निजामुद्दीन पर है, फिर वहां से आपको रंगून की जेल में ले जाया गया, 4 दिन बादशाह भूखे रहे। अंदाजा लगाओ सदियों से जिनके खानदान में हुकूमत रही हो, जब आज वो कैदी बनाए गए हो तो पानी का घूंट भी कैसे उतर सकता है। 4 दिन के बाद जब पानी मांगा तो वो खुंचा भी आपने देख लिया, जब वो हकीकत हुआ होगा तो क्या हाल हुआ होगा। सुबह में नाश्ते के वक्त एक खुंचे में बहादुर शाह जफर के बेटों के खून से लथपथ सरों को लाकर के रखा गया, ऊपर कपड़ा ओढ़ाया हुआ था। बहादुर शाह ने जब उस कपड़े को हटाया तो अपने नौजवान बेटों के सर खून में लथपथ जब बहादुर शाह ने देखे तो जुबान पर यह जुमला था, तैमूरी शहजादे अपने बड़ों के सामने इसी तरह सुर्ख रूह होकर आया करते हैं। तैमूरी शहजादे अपने बड़ों के सामने इसी तरह सुर्ख रूह होकर आया करते हैं। बहादुर शाह को रंगून की जेल में ले जाया गया। अभी मेरे साथ हमारे सूरत शहर की एक मौकर शख्सियत गुलाम मुस्तफा हकीम जी आए हुए हैं, जो ताजिया कमेटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे अजीब बात सुनाई कि जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज कैदी बना करके रंगून ले जा रहे थे तो कहा कि ये जो मेरा बटुआ है, पानी की जो बटकी सोने चांदी उसमें भारत देश की मिट्टी थोड़ी सी भर दो। अंग्रेज पूछने लगे आप इस मिट्टी को क्या करोगे, मैं वहां साथ ले जाऊंगा, वसीयत की बाकायदा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे कब्र में रखा जाए तो मेरे सीने के ऊपर भारत की मिट्टी लगा दी जाए। ये वसीयत बहादुर शाह जफर कितनी मोहब्बत होगी अपने मुल्क से और मुल्क की मिट्टी से, अंदाजा लगा। और जब वहां रंगून की जेलों में पहुंचे हजरत शेख मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब के साथ जब हमारा बर्मा का सफर हुआ था तो बहादुर शाह मजार के मजार पर भी हाजिरी हुई है, जो अभी आपने ड्रामे में देखा ये नक्शा हमने वहां देखा है रंगून के अंदर। वाकई सप्ताह जारी हो जाता है, रोना आता है। उस दिन खाना उतरा नहीं था पेट में कि हिंदुस्तान अजीम शान मुल्क का हुक्मरान
और वाकई दो गज जमीन न मिल सकी कोई जाने से। कितना बदनसीब है तू ए जफर, दफन के वास्ते दो गज जमीन न मिल सकी कोई यार में। वतन से सैकड़ों किलोमीटर दूर रंगून की सर जमीन के ऊपर जब वो दफन हुए, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब रंगून गए, बहादुर शाह के मजार के ऊपर अकीदत के फूल चढ़ाने गए, कहा इनकी कब्र को हम दिल्ली लाल किले में मुंतकिल करेंगे। कोई टेक्नोलॉजी के जरिए गहराई से पूरी मिट्टी के साथ इनकी कब्र को हम दिल्ली ले जाएंगे, ये अज़्म करके आए थे रंगून से। यहां आकर पार्लियामेंट में मसला चला, मुजाहिद कौम मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब से हारी रहमतुल्लाह अलैह, नेहरू जी से कहने लगे, नेहरू जी इसका शरीय हुक्म भी आपने मालूम करवाया, इस तरह कब्र को मुंतकिल करने का क्या मसला है, फिर आप जो है जो काम करेंगे वो करेंगे। आज तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस वक्त की मुल्क के वजीर आजम का हाल ये है कि अपने इरादों को पूरा करने के लिए पहले शरी फतवा ले रहे हैं। उन्होंने बाकायदा फतवा सवाल का लिखा और मुल्क के बड़े इदारों को भेजा। जब वो सवाल मदरसा मजाइलुम सहारनपुर में पहुंचा, मेरे अव्वल पीर मुर्शिद हजरत अब्दस मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब लिखा जो फताव महमूदिया में छपा हुआ है, और हजरत ने तफसील से उसका जवाब लिखा कि हमारी शरीयत इस्लामी के कानून के मुताबिक इस तरह किसी की कब्र को एक जगह से दूसरी जगह लाना जायज नहीं है। जब ये फतवा पहुंचा तो बहादुर शाह जफर के सिलसिले के इस फतवे को मुल्क के पहले वड़ा प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर पर रखा कि जब इस्लामी कानून के एतबार से ये चीज नहीं हो सकती तो मुल्क का वड़ा प्रधान अपने इरादों को तोड़ता है। हम पर्सनल लॉ की तो बहुत दूर की बात नहीं के तोड़े, कहा कि एक मामले के अंदर मुल्क का वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर जो इरादा कर चुका, लेकिन का शरीयत का ये फतवा आ चुका है, इस्लामिक लॉ आ चुका, तो अब मैं अपना इरादा कैंसिल करता हूं और बहादुर शाह जफर की कब्र वहीं बाकी रहे। 1857 की क्या क्या बातें आपको सुनाऊं। लेडी थॉमसन लिखती है, मुसलमान आलिमों को हाथी पर बिठाया जाता था, मेरठ से दिल्ली तक फांसी की रस्सियां लटकाई हुई थी, दिल्ली से मेरठ के फासले आज भी वही है जो 1857 में थे, दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके ऊपर फांसी की रस्सी ना हो, और हर दरख्त पर कोई मुसलमान आलिम की लाश न लटक रही हो, हर हर दरख्त पर किसी न किसी मुसलमान मौलवी की लाश लटक रही थी, कम से कम पंडित मेवाराम गुप्ता लिखते हैं कि 55,000 मौलवियों को उस वक्त फांसी की सजा दी गई, 4.5 लाख हिंदू मुसलमानों को आम मुस्लिमों को कत्ल किया गया 1857 के अंदर। वहां से लेकर 1947 तक की जंग, इसमें भी हर मौके के ऊपर मुसलमान हीरो रहे, आगे आगे रहे। 1866 में दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ 1857 की नाकामी के 9 साल के बाद, और उसको कायम किया गया जो उसके बुनियादी मकासिद थे, एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि भारत देश को अंग्रेजों से आजाद कर, ये दारुल उलूम देवबंद को आजाद बनाने का
एक बुनियादी मकसद ये भी रखा गया है। हजरात 1947 तक जब बच्चों ने सुबह में परचम कुशाई करते हुए झंडा लहराते हुए असीरा ने माल्टा का तस्करा किया, खुदा को गवाह रख के कहता हूं मैं अपना रोना काबू में नहीं कर सका। असीरा ने माल्टा कौन की कुर्बानी को भूल सकता है? मैं यहां नहीं, मैं हजारों हिंदुओं के बीच में ये बात कहता हूं, एक नमूना कोई बदला देवे। मैंने बड़े बड़े सरकारी केंद्र सरकार के और स्टेट के मिनिस्टरों के सामने कहा है, प्रूफ है मेरे पास, एक नमूना कोई बदला देवे कि देश की आजादी के लिए हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के किसी आयरलैंड में टापू में किसी को ले जाकर कैद किया गया हो, एक भी कोई सबूत बदला दे। अगर किसी को कैद किया गया हो तो शेखुलद्दीन मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हुसैन गुल, मौलाना नाफे गुल, इनकी पूरी टीम को यूरोप के एक टापू माल्टा में कैद किया गया और उस काली कोठरी में उनके ऊपर मजालिम किए गए। मुसलमानों अपना इतिहास पढ़ो, बहुत जरूरी अपना इतिहास पढ़ना। 1857 से 1947, 1498 से लेकर 1757, 1757 से 1947 पूरा इतिहास साफ सबूत देगा आपको कि इस मुल्क की आजादी के हर मोड़ के ऊपर मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, कभी पीछे नहीं रहे। जब हम अपना इतिहास अपनी तारीख जानेंगे, लोगों को बतलाएंगे, तो इंशाल्लाह इस मुल्क में इज्जत से रहना हमारे लिए आसान। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की 1930 में गुजरात सरकार ने खुद दांडी कुछ नाम का एक पुस्तक बाहर पाड़ा है, उसमें लिखा हुआ है, 10 पेज में लिखा हुआ है, एक दो नहीं 10 पेज में, कि दांडी यात्रा के अंदर जो पावर आया वो मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारी जो उस वक्त जामिया डागरेल में मुदर्रिस थे, उनके फतवे उनकी तहरीर से गांधी जी की दांडी यात्रा को ताकत मिली। 1928 में हमारे बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाकर की चलवट चलाई जिसको अभी फिर जिंदा करने की कोशिश हो रही है। उस नाकर की चलवट के मौके पर 1928 में बारडोली के पाटीदार समाज ने बाकायदा फतवा पूछा, पाटीदार समाज ने दाभेल के दारुल इफ्ता में, और वल्लभ भाई की उस चरवण के सपोर्ट में जामिया डाबेल से फतवा लिखा गया जिसको हजारों की तादाद में छपवाया गया और उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की नाकर की चरवण को ताकत मिली। वो हमारे यहाँ बारडोली पाटीदार समाज आश्रम के अंदर फतवा जवाब मौजूद है, आज तक मौजूद है। मुसलमानों हम भी अपने इतिहास को नहीं जानते, बहुत जरूरी है कि हम अपने इतिहास को गहराई से पढ़ें। चंद मिनट भारत के दस्तूर और बंधारण के मुताबिक आपको अर्ज करूं। 1947 में 15 अगस्त को भारत देश आजाद हुआ, लेकिन हमारे देश के पास अपना कोई बंधारण नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर नहीं था। उस वक्त पर एक पुराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में बना हुआ था उसके ऊपर भारत देश आजादी के बाद चला, और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 1947 15 अगस्त को आजादी के बाद भी हमारा देश राजा जॉर्ज पांचवा
जो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का बादशाह था, उसी के अंडर में, उसी की मातहती में, उसी की हुकूमत के अंदर चलता हुआ समझा जाता है 1947 के बाद भी। और आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हैसियत से पूरे मुल्क की हुकूमत को चलाते थे। देश में महसूस किया गया कि अपना एक बंधारण और दस्तूर होना चाहिए। तो 29 अगस्त 1947 के दिन बंधारण बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस बंधारण बनाने वाली कमेटी ने सितंबर अक्टूबर दो महीने मेहनत करके नवंबर 1947 के अंदर बंधारण का एक खरड़ा, एक मुसवदा पार्लियामेंट के सामने रखा। भारत की पार्लियामेंट ने यह मंजूरी दी कि यह मुसवदे के ऊपर बासु मुबासा होगा, डिबेट होगी,